नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपनो हार्दिक स्वागत है। जरा सोचिए एक बार, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी थी, एक लड़का पानी बेचता हुआ निकला। ट्रेन में बैठे एक सेठ ने उसे आवाज दी, ए लड़के इधर आया। लड़का दौड़कर आया, उसे पानी का गिलास भरकर सेठ की ओर बढ़ाया तो सेठ ने पूछा, कितने पैसे में? लड़के ने कहा, 25 पैसे। सेठ ने उससे कहा कि 15 पैसे में देगो क्या? यह सुनकर लड़का हल्की मुस्कान दबाए पानी वापस गले में उड़ल लेता हुआ आगे बढ़ गया। उसी डिब्बे में एक महात्मा बैठे थे, जिन्होंने यह नजारा देखा था कि लड़का मुस्कराया मौन रहा। जरूर कोई रहस्य उसने मन में होगा। महात्मा नीचे उतकर उसे लड़के के पीछे पीछे गए, बोले, ये लड़के ठहर जरा, ये तो बता तू हंसा क्यों? वह लड़का बोला, महाराज मुझे हंसी इसलिए आई कि सेठ जी को प्यास तो लगी ही नहीं थी, वे तो केवल पानी के ग्लास का रेट पूछ रहे थे। महात्मा ने पूछा, लड़के तुझे ऐसा क्यों लगा कि सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी? लड़के ने बताया कि महाराज जिसके वाइक में प्यास लगी हो वह कभी रेट नहीं पूछता, वह तो गिलास लेकर पहले पानी पीता है, फिर बाद में पूछेगा कि कितना पैसा देने है। पहले कीमत पूछते हैं का अर्थ हुआ कि प्यास लगी ही नहीं है। वास्तव में जिन्हें ईश्वर और जीवन में कुछ पाने की तमन्ना होती है वे वाद विवाद में नहीं पड़ते, पर जिनकी प्यास सच्ची नहीं होती वे ही वाद विवाद में पड़ रहते हैं, वे साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ते। अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर भगवान है तो फिर फिक्र क्यों? समझदार ही योग धर्म। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव।